जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? नहीं जी, आज चैनल पे आपके लिए एक नई चीज़ लेके आने लगा हूँ और ये होगा जी वैन वाला चाइनीज़। आज हम वैन वाला चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खुले में यहाँ पे शादमान में मुख्तलिफ इलाके में है लाहौर में, लेकिन अभी हम जा रहे हैं शादमान। शादमान में तकरीबन कोई 3 से 4 हैं जिन्होंने वैन में चाइनीज़ लगाया हुआ है, तो आज हम उन 3 से 4 बंदों के चाइनीज़ बाय करेंगे। उसमें मैंने आज सोचा है कि चाउमीन खाएंगे, चाउमीन लेंगे और उसके बाद उनको फिर आराम से कंपैरिजन भी करेंगे, आपको उसकी प्राइस भी बताएंगे और डिटेल में सारा आपको मैं बताऊंगा कि किसका क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कौन सा अच्छा है। ये देखें जी, सबसे पहला स्टॉप जो मैंने किया है यहाँ पर शादमान में, एक बैठा हुआ है चाइनीज़ वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पास लेके चलता हूँ और आपको सारा बताता हूँ। ये अभी हमने इनसे ली है जी हाफ चौमिन और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे जाके दोबारा से आप चौमिन ऑर्डर करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे जी एंड पे सबको इकट्ठा खोल के टेबल पे रख के और फिर बताएंगे एंड पे आपको के सबसे अच्छी किसकी है। आप कहाँ से हैं? ये भी स्कर्दू से हैं। चलें एक हाफ चौमिन करें जी। शुक्रिया, मेहरबानी। ले जी, यहाँ से भी हमने हाफ चौमी ले लिए और अब हम सामने एक मुझे वैन नज़र आ रही है, अब उस वैन वाले के पास जाते हैं और उससे भी हाफ चौमी लेते हैं। कोई नाम भी कोई नहीं, बस ये वैन, लेकिन लाजम है वैन की निशानी है जी इनकी बहुत बड़ी। हाफ चौमी प्लेट पैक, हाँ पैक कर दो हाफ चौमी, चौमी मंचूरियन, बस सुना थोड़ी सी रेड सॉस था देते हैं। हाँ रेड वाला ठीक है जी। तो अभी हमारी सारी चौमीज गाड़ी में मैंने रखी हुई है, अब हम घर जाएंगे, इनको प्लेट में खोल के क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस इंशाल्लाह मैं आपको सबकी घर जाके इनको रख के तो बताऊँगा जी। गाइस, तो ये आ गई हैं जी फर्स्ट जो हमने ली थी, ये आ गई है जी, अभी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ प्लेट में, जो के सेकंड वाले से ली थी। ये दोनों भाई स्कर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं और ये आ गई जी थर्ड वन, जिसके हम किचन में नहीं जा सके थे। अभी मैं इनको प्लेट में खोलता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हमारे पास चॉपस्टिक भी है जी और फॉक भी है, लेकिन चॉपस्टिक से खाना बहुत मुश्किल है, ट्राई करेंगे वीडियो के दरमियान। और ये स्पून आ गया हमारा, चॉपस्टिक से ट्राई करेंगे। गाइस, सॉस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते चलें, ये फर्स्ट वाले की सॉस है, ये सेकंड वाले की और ये थर्ड वाले की। सॉस में सबसे ज़बरदस्त सॉस फर्स्ट वाले की और उसके बाद थर्ड वाले की सॉस बहुत अच्छी है और जो सेकंड वाला है इसकी सॉस मज़े की नहीं है जी। ये अब हम ट्राई करने लगे हैं जी सबसे
फर्स्ट वाली की जो चौमी थी इसमें हमने इसकी सॉस डाली है। सॉस जो है इसकी पहले खाली सॉस डाली है, सॉस में सबसे ज़्यादा चिकन जो है ना वो इसने डाल के लिया, बस हमने थोड़ी सी डाली और हम इसको फ्राई करते हैं ये टेस्ट में कैसे। एंड पे मैं आपको इनकी फ्राई भी दिखाऊँगा। एक बाइट सोच के ब्रांड लेते हैं, सेकंड वाली भी लेते हैं, फिर कंपेयर हो जाएगा कि फर्स्ट वाली कैसी है। वैसे नॉर्मल है, स्पाइसी नहीं है, क्योंकि नूडल्स का साइज भी अच्छा है, ज़्यादा मोटी सॉस वो नूडल्स नहीं है। ये सॉस देख सकते हैं जी, सेकंड वाले की सॉस बिल्कुल खाली है, इसमें कोई चिकन नहीं है। फर्स्ट वाले में चिकन बहुत ज़्यादा उसने डाल के दी है, लेकिन सेकंड वाले की चाउमीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अभी एक सॉस के साथ बाइट लेते हैं इसकी। और एक अभी साथ में लेते हैं। सेकेंड वाली के अंदर वेजिटेबल का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, और जो फर्स्ट वाली है उसमें सॉस के साथ और सॉस के बगैर भी जैसे चिकन फ्राइड करके डाला हो एक उसका टेस्ट बनता है, उस तरह का टेस्ट आ रहा है। और सेकेंड वाली में वेजिटेबल, चिकन और चौमी इन सब का एक टेस्ट अलग अलग पता चल रहा है। थर्ड वाली की तरफ चलते हैं, थर्ड वाली की सॉस डालते हैं जी सबसे पहले, फिर इसकी बाइट लेंगे। थर्ड वाली क्वांटिटी में सबसे कम है, आप देख सकते हैं कि थर्ड वाली का कलर भी बहुत डिफरेंट है इन पहली दोनों की निस्बत। थर्ड वाली का कलर बहुत ही डिफरेंट है, कल थर्ड वाली तो इस तरह लग रही है जैसे कि इसमें कोई मसाला ज़्यादा नहीं डाले हुए, लेकिन हम ट्राई करेंगे सॉस के साथ। थर्ड वाली में सॉस के साथ बाइट में एक स्मेल आई है, स्मेल मैं आपको बताता हूँ कैसी है। मैं सॉस के बगैर जरा एक बाइट लूँ, गाइस थर्ड वाली में एक स्मेल है जैसे किसी चीज में से अंडे की स्मेल आती है। मुझे लग रहा है कि इसकी वेजिटेबल फ्रेश नहीं है और इसमें एक इस तरह की स्मेल आ रही है जिस तरह अंडे की स्मेल आती है। अभी कंपैरिजन जो इन दोनों का है, फर्स्ट का और सेकंड का, ये बहुत ही टफ है। दोनों टेस्ट में अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं फर्स्ट वाली को 5 में से 4 दूंगा और सेकंड वाली को 5 में से 4.5 दूंगा। ये दोनों बहुत बेहतर हैं और प्राइस इन तीनों की प्राइस जो है वो फर्स्ट वाले की 280, सेकंड वाले की 250 और थर्ड वाले की 150। तो उम्मीद है मुझे गाइस आपको मेरा ये एक छोटा सा कंपैरिजन और रिव्यू इनके बारे में अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ बोले बोले।